गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं फॉर हिम के एपिसोड 6 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हिम नेल को उसके मॉम के रेस्टोरेंट पर खाना खिलाने लेकर जाता है, जहां पर हिम की मॉम नेल को देखकर हैरान हो जाती है और वो हिम के लिए परेशान भी हो जाती है। तो हिम अपने मॉम से बात करके उन्हें ये समझा देता है कि वो नेल के साथ खुश है और वो नेल के साथ ही रहना चाहता है। तो हिम की मॉम भी मान जाती है, पर नेल को ये सब बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि हिम के साथ उसको देखकर सभी चौंक जाते हैं और ऊपर से सभी ये भी कहते हैं कि नेल हिम की पिछली बॉयफ्रेंड की तरह दिखता है। इधर अपने दोस्त के कहने पर नेल अपने प्रोजेक्ट में टी की मदद लेने को राजी हो जाता है, पर टी ने तो अपने साथ कपल फोटोशूट करवाने के लिए नेल का नाम सजेस्ट किया है थाइप को, जिसके बारे में हिम को कुछ भी नहीं पता। पर थाइप नेल से इस बारे में पूछता है, पर नेल हमेशा टी को अवॉइड करने की कोशिश करता है क्योंकि एक तो टी का फ्लर्टिंग बिहेवियर नेल को पसंद नहीं आता, ऊपर से वो हिम को पसंद करता है और नेल इस तरीके का लड़का नहीं है जो किसी को धोखा देगा रिलेशनशिप में। इधर हमें बार बार ब्लू का सैड लाइफ भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लू हमेशा हिम से उसके साथ बिताने के लिए वक्त मांगता रहता है, पर हिम अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से ब्लू के लिए वक्त निकाल ही नहीं पाता और इन सब से ब्लू को बहुत ही बुरा लगता है और उसे तकलीफ भी होता है, जिसका फ़ायदा हमेशा टी उठाने की कोशिश करता है और हिम और ब्लू के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता रहता है, जिस वजह से ब्लू और ज़्यादा हिम को गलत समझता है और उससे हमेशा नाराज़ रहता है, जिससे हिम और ब्लू के रिलेशनशिप पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं हिम अपनी बहन हनी से नेल का इंट्रो करवाता है वीडियो कॉल के जरिए और हनी भी नेल को देखकर नेल से कहती है, आप मुझे क्यों उनकी तरह लग रहे हो। तो हनी की ये बात सुनकर हिम और नेल दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि हिम ने नहीं सोचा था कि हनी नेल के सामने ऐसा बोल देगी। और नेल तो जब से हिम के साथ आया है तभी से उसे सभी जगह पर ये सुनने को मिल रहा है कि वो ब्लू की तरह दिखता है, पर नेल इस बार भी हिम से इस बारे में कुछ नहीं पूछता क्योंकि वो हिम के कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा है। इधर नेल को देखने के बाद हनी को ब्लू की याद आ रहा था, शायद हनी ब्लू के बहुत ही ज़्यादा करीब रही होगी और ब्लू हनी को बहुत ही पैम्पर करती होगी, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह, इसलिए हनी ब्लू से मिलना चाहती है और ब्लू के हाथों का बना हुआ केक खाना चाहती है जो कि हनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो इस एपिसोड के ट्रेलर में दिखाए गए हिम और ब्लू के एक क्यूट सीन से हमें ये पता चलता है कि ब्लू को बहुत ही अच्छा केक बनाना आता था और वो कभी कभी केक बनाकर हिम को भी देता था, पर ब्लू और हिम के बीच में प्यार भरा सीन हमें बहुत ही कम दिखता है। इधर ट्रेलर के एक और सीन में हम देखते हैं हिम का कजिन ब्रदर थाइप भी शायद हिम को पसंद नहीं करता और उसे ये भी पता चल चुका है कि टी ने उसके साथ एक्टिंग करने के लिए जिसको सजेस्ट किया था वो हिम का नया बॉयफ्रेंड नेल है। तो वो भी अब टी के साथ मिलकर नेल को हिम से दूर करने की कोशिश करने वाला है, जैसे कि उसने टी से प्रॉमिस किया है, इसीलिए वो हिम को इंडिकेट करके खुद से ही कहता है कि अब वक्त मेरा है हिम। पर इन सब खतरनाक प्लानिंग से अनजान हिम और नेल एक दूसरे के साथ को और एक दूसरे के प्यार को एंजॉय कर रहे हैं, पर मुझे डर है कि ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है क्योंकि जैसे टी हमेशा ब्लू के सामने हिम को गलत ठहराने की कोशिश करता था, वैसा वो अब नेल के साथ भी कर रहा है। बस फर्क इतना है कि नेल टी के बातों पर भरोसा नहीं करता और टी को पसंद भी नहीं करता, इसलिए टी अभी तक अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ, पर ऐसा कब तक होगा यही देखने वाला बात है। ओके गाइस, आज के स्पॉइलर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।